सही से पैक करो, सही से टेप लगा के करियो, सही से टेप नहीं है ना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हो रही है बारिश और फाइनली दिल्ली में भी बारिश आ चुकी है। होली है, बारिश आ रही है, कटा शहरी रख क्या कटोरी प्लास्टिक का, ले अपना। होली है कि बारिश आ रही है, ये क्या कर रहे हो दोनों? बारिश नहीं आ रही ना, आ तो रही है, ये बारिश में नहा लो शहरी। मम्मी बूंदा बांदी पर अच्छा नहीं लग रहा। आइए क्या बर्तन किचन के बर्तनों से होली खेलेगी? कप वप लेकर आ रही, कटोरी वटोरी क्या क्या लगी, बदतमीज लड़की हो रही है, बड़ी शैतान हो रही है। अब स्कूल खुलने वाले हैं ना, अभी मैडम को फोन करती हूँ, रुक जा। स्कूल खुलने वाले हैं तभी तो थोड़ी खुशी मना रही हूँ। हम हो गई है और यहाँ पर जो है बच्चों की मस्ती शुरू हो गई है। और यहाँ पर देखिए दोनों कैसे कर रहे हैं। और अभी दोनों ने एकदम से मौसम देखा तो दोनों छत पे भाग कर आ गए हैं। और देखिए थोड़ी सी बारिश कम हो गई है तो कितनी मस्ती कर रहे हैं दोनों ये। तो अभी जो है शाम के बज रहे हैं 6 और शहरी और मैं दोनों जाएंगे अभी थोड़ी देर के लिए मार्केट, क्योंकि थोड़ा कुछ पूजा का सामान भी लेकर आना है हमको। का बर्थडे है, मेरी सासू माँ का जन्मदिन है और शहरी को लेकर जा रही हूँ मैं, तो कुछ सामान भी लेकर आना है पूजा का। और मम्मी के लिए थोड़ा बहुत देखते हैं, कुछ पसंद आएगा तो लेकर आ जाएंगे। बड़ी मम्मी के लिए गिफ्ट लेके आऊंगी। हाँ ये कह रही है बड़ी मम्मी के लिए गिफ्ट लेकर आऊंगी। और आज देखा आपने भी कि बच्चों ने कैसे बारिश में कितनी मस्ती करी है। हमारे यहाँ इतने दिन बाद बारिश हुई है तो काफ़ी ठंडक हो गई है, नहीं तो रात भी बारिश हो रही थी, दिन में आज बारिश हुई है तो अभी भी काफ़ी ठंडा हो गया है। चलिए बस अब चलते हैं मार्केट, तो देखते हैं क्या पसंद आता है। तो देखिए यहाँ पर शहरी और मैं आ गए हैं दोनों। पहले चूड़ी लेंगे। मार्केट से आ चुके हैं और जो हमको लेकर आना था पूजा का सामान वो भी लेकर आ गई हूँ मैं, और मेरे को सब्जी लेकर आनी थी तो मैं सब्जी भी लेकर आ गई हूँ, और जो हमको गिफ्ट लेना था मम्मी के लिए तो वो शहरी ने अपने ही पसंद का लिया है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि क्या गिफ्ट है। और शहरी पैकिंग करने के लिए ये भी लेकर आ गई है, पैकिंग पेपर भी लेकर आ गई है, तो अभी जो है गिफ्ट पैक होगा।
इतना बड़ा गिफ्ट नहीं है, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी पिन्नी की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे करके मैं सजा दूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम आप ही को दिखाएंगे कि क्या गिफ्ट है, और रात को जो है फिर हम केक भी कटवाएंगे ना मम्मी से। और ये रहा गिफ्ट, मैं आपको गिफ्ट दिखाऊंगी। हाँ, तो देखिए शेरी जो है दो रिंग लेकर आई है, पहली ये सोने की सोने की, दूसरी है हीरे की। तो ये जो है अभी शाम की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, और मैं अभी बाहर जाऊंगा, बाहर क्यों जाऊंगा, क्योंकि आज मम्मी का बर्थडे है और मम्मी को बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि हम उसके बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। शायद तो मम्मी के लिए गिफ्ट भी ले आई है, उसको पैक कर रही है, और अभी मैं बाहर जाऊंगा पूजा करके, वो तो मम्मी के लिए ले गया हूँ केक, और फिर सब बच्चों को बुला के फिर मम्मी को सरप्राइज केक कटिंग करवाएंगे। हाँ, बर्थडे सरप्राइज करना है। कितने करो पूजा, और मैं शहरी को भी दिखाती हूँ, शहरी भी तैयारी में लगी हुई है क्योंकि मम्मी का आज जन्मदिन है। और देखिए शहरी ने, गुड्डू ने इसको ला के दे दिया है। शहरी ऊन से अच्छा नहीं लग रहा? ऊन से तो मैंने बांध दिया। चल अब इसको ऐसे ही पैक कर दे। शहरी ने यहाँ पर जो है गिफ्ट पैक कर दिए हैं। शहरी मम्मी को एकदम सरप्राइज मिल जाएगा है, तीन तीन गिफ्ट है, और मम्मी को बिल्कुल पता नहीं है कि आज क्या है। और हमने मम्मी को विश भी नहीं करा। लगाना बता जल्दी। स्ट्रॉबेरी। मम्मी को स्ट्रॉबेरी पसंद है या चॉकलेट पसंद है? चॉकलेट क्या, पिछली बार स्ट्रॉबेरी आया था। पिछली बार कौन सा वाला लाया? स्ट्रॉबेरी। पिछली बार स्ट्रॉबेरी था, इस बार चॉकलेट लिया। चलो देखिए जी, आज अपने ही घर में चोरों की तरह बोलना पड़ रहा है, और धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है कि कहीं मम्मी सुन ना ले। तो अभी जो है वो चले गए हैं बाहर केक लेने के लिए, और शायरी ने जो है गिफ्ट पैक कर लिया है। तो यहाँ पर जो है गिफ्ट पैक हो चुका है, और मम्मी को जो है बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि आज मम्मी का जन्मदिन है। और मम्मी अभी नहा के गई थी थोड़ी देर पहले, तो मम्मी ने जो है शायद अपने वही कपड़े पहन रखे हैं, टी शर्ट वगैरह पहन रखी है। तो अगर मैं मम्मी को बोलूँगी कपड़े चेंज कर लो, तो सोचेगी कि क्यों कह रही है कपड़े चेंज करने के लिए गर्मी में। तो इसलिए मैं ये भी नहीं बोलूँगी, कहीं मम्मी को जो है शक ना हो जाए। मैंने सारा सजा दिया। अभी जो है थोड़ा सा होल शायरी ने सजा दिया है। वैसे कोई डेकोरेशन आइटम जो है वो कुछ नहीं मंगाया, बस ऐसे ही जो है होल वगैरह, जैसे बच्चे हैं गद्दी वद्दी इधर उधर फैला देते हैं, थोड़ा सा साफ कर दिया है होल। तो बस अभी वो केक लेने गए हैं, जब केक आ जाएगा तो फिर मम्मी को होल में बुला के लेकर आएंगे। और भाई रात के बज रहे 8:30, और केक मैं ऑर्डर करके आ गया हूँ, सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि मम्मी खाना खा ले। उसके बाद हनी भी नहीं आया, अभी हनी आ जाएगा तब मम्मी को एकदम सरप्राइज देंगे हम। और मैं अभी घर पे ही हूँ, मैं दुकान पे केक बुक करके आ गया हूँ, अभी मैं गुड्डू को भेजूँगा तो गुड्डू केक लेके आ जाएगा, और इतने मम्मी खाना भी खा लेगी और हनी भी बाहर से आ जाएगा, फिर मम्मी को सरप्राइज दे देंगे। और आज जो हम चोरों की तरह बातें कर रहे हैं, हम धीरे धीरे इसलिए बात कर रहे हैं ताकि मम्मी को उस कमरे में आवाज़ ना जाए कि हम क्या तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आवाज़ ऐसे बात कर रहे हैं ना। आज हम चोरों की तरह और मैं कुछ इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे गले में दर्द है, इसलिए मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ। तो दोस्तों अभी जो है रात के बज रहे हैं 9, और मम्मी जो है खाना खा रही है अभी, और वो अभी गए हुए हैं बाहर केक लेने के लिए। तो बस वो अभी केक लेने के लिए गए हैं, और जैसे ही वो केक लेकर आ जाएंगे फिर मम्मी को बाहर बुला कर लेकर आएंगे। हाँ हाँ, कितनी बार दिखाएगी। और यहाँ पर शरीफ बार बार अपना गिफ्ट ही उठा कर ले आती है दिखाने के लिए। और यहाँ पर मैंने जो है आटा गूंद के रख दिया है, और सब्जी जो है मैंने बना रखी है, और बस अभी रोटी डालनी रह गई है। क्या हो गया, अभी बनानी है, तैयार हो गया हनी? हनी हनी और गुड्डू दोनों लड़ाई कर रहे हैं, समस्या सुलझा दो इनकी। अरे दोनों हनी और गुड्डू दोनों लड़ाई कर रहे हैं, दोनों पता नहीं। अरे बाहर को तो आओ, बाहर आके समझाओ। चलो हैप्पी बर्थडे करो।
आज है नया दिन और कल जो है मम्मी का जन्मदिन था, तो हमने मम्मी को सरप्राइज दे दिया था, तो मम्मी जो है काफी खुश हो गई थी, है शैरी? यस। और शैरी ने जो मम्मी को गिफ्ट दिया था, मम्मी को पसंद तो बहुत आया वो, बट वो रिंग जो है मम्मी को छोटी आ रही है। छोटी नहीं आ रही, मम्मी को बड़ी आ रही है। बढ़िया। तो मम्मी के लिए जो हम रिंग लेकर आए थे, तो मम्मी की उंगलियों में काफी ढीली आ रही है, तो मम्मी की उंगलियों में से ऐसे करके निकल रही है वो, तो मम्मी को आ नहीं रही है, तो इसलिए शैरी और मैं अभी दोबारा से मार्केट जाएंगे, बदल के लाएंगे। हाँ, थोड़ा छोटा साइज लेकर आएंगे इसमें। हाँ, और मैं डिजाइन थोड़ा अलग लेके आऊंगी। हाँ, तो मम्मी को कैसा लगा कल? मम्मी को बहुत अच्छा लगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सब लोग? और शाम के बज रहे 7:30, मैं ऑफिस से आ चुका हूँ और आज है 1 जुलाई और आज मेरे पापा का बर्थडे है। जैसे ही आपने रात को देखा था कि हमने मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और अभी हनी गया है पेस्ट्री लेने के लिए, तो सेलिब्रेशन तो कुछ है नहीं, मगर पापा के बर्थडे है तो मम्मी ने बच्चों के लिए सबके लिए पेस्ट्री मंगाई है। तो अभी हनी गया है, अभी देखते हैं वो क्या लेकर आता है, पेस्ट्री लाता है, केक लाता है। और यहाँ चल दिए खाने की तैयारी। आज क्या खाने में दोस्तों? मुझे कमेंट करके बताना टिंडे कौन खाता है, मैं तो खाता नहीं, कौन खाएगा टिंडे? मैं खाऊं। ये सिर्फ अपने लिए बना रही है, तो हम क्या खाएंगे फिर? चलो भाई, आज देर लगता है, टिंडे ही खाने पड़ेंगे आज। अच्छी सब्जी होती है टिंडे। चिंटू, और अब खिलाएगा चिंटू बड़े पापा को केक। खिला आज पापा का बर्थडे, बोला जी बर्थडे। हाँ जोड़, बर्थडे है और कल था बड़ी मम्मी का बर्थडे और आज है बड़े पापा का है। और आज है 1 जुलाई बड़े पापा का, इसलिए हमने बड़े पापा को केक खिलाया है। और इसका भी आएगा, तेरा कब आएगा? अभी सबके अभी इस महीने ही आएंगे, जुलाई में। और मम्मी का आएगा 16। तेरी मम्मी का, तेरा, बंटी का, हनी का, ताई का, काके का, ऊपर सबके जुलाई में आएंगे, इसी महीने में सबके बर्थडे आएंगे सबके साथ। बता देता है, पूछ रही थी क्या मंगवाया तुमने इनके लिए? मैं ये पेस्ट्री का, पेस्ट्री मैं बनी आती है। अब तू दिखा क्या क्या मंगवाया। और बच्चों की पार्टी, मम्मी ने बच्चों को मंगा कर दिया आइसक्रीम का ब्रेक पूरा, और ये मंगा दिए पेस्ट्री। ये तेरी और पहले का जो कल का केक भी रखा, और वो केक खा रहे हैं।